वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो यह है दोस्तों बरगद का प्लांट और साथ में एक नीम का प्लांट ग्रो हो चुका है, सीड से ग्रो हुआ होगा अपने आप। तो जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका ग्रोथ और उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, हुआ क्या है लास्ट सीजन में। तो यहाँ बहुत सारी एरियल रूट्स ग्रो हो चुकी है, देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ दो तीन यहाँ वायर बैट्स भी हुआ है। ग्रोथ धीमा रहता है बरगद में। अब दोस्तों वायरिंग कर लिया है और देखिए जुगाड़ कैसे किया है। अभी कोई नई शुरुआत नहीं कर सकते विंटर में क्योंकि ट्रिमिंग नहीं कर सकते। तो अब मैं कुछ से उसको ट्विस्ट कर देता हूँ जिससे ये कुछ शेप में नज़र आएगा। तो सभी वीडियो ध्यान से देखने की कोशिश करें, सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर आप कोई स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी कुछ करना नहीं है, मार्च के बाद ही कुछ भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग ट्रिमिंग सब। अभी किया तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते दोस्तों। प्लांटों को ट्विस्ट करके हमने रीशेपिंग कर लिया है दोस्तों। तो इस सीज़न में हम केवल रीशेपिंग कर सकते हैं अगर वायर अवेलेबल हो तो। ये नीम ट्री को भी हमने कॉम्पैक्ट कर लिया है, कुछ दिनों में और ज़्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे। कोई ब्रेकिंग तो नहीं हुआ है, थोड़े दिनों के बाद स्टेबल होने के बाद फिर से ट्राई करेंगे। और ये एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल शेप में भी आ गया है और उसकी जो स्टेम साइज है वो यहाँ से होगी इतनी बड़ी। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगने वाला है बाद में कुछ ही सालों में। अब अच्छे से ट्रीटमेंट होगी, रेगुलर फर्टिलाइज होगा और ये प्लांट अच्छे से ग्रो करना चाहिए। अगर बिना टेक्निक जाने आपने ट्राई किया तो आप ऐसे ही करते रह जाएंगे और कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सही जानकारी के साथ ट्राई करें, वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें, बातों को समझने की कोशिश करें। इस सीज़न में कोई भी काम नहीं कर रहा होगा बट मैं इस तरह से काम कर रहा हूं क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। एक भी कदम उठाता हूं तो इसके पीछे साल का एक्सपीरियंस लगा है मेरा। तो आपका कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं और आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी गलतियां होगी। तो बेहतर है ध्यान से वीडियो देखें और फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक पूछ सकते हो हमसे। और वायर नहीं है तो मैं भिजवा रहा हूँ सबको। तो चलिए मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।